नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर थ्रोट इन्फेक्शन है तो उसका इलाज करने के लिए कौन सी मेडिसिन है, इसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। फिलहाल मेरे हाथ में दो प्रोडक्ट है, अजीमेक्स 500 जिसका कंटेंट है एजिथ्रोमाइसिन, और दूसरी एक ब्रांड है निसिप कोल्ड एंड फ्लू, जिसमें कोल्ड एंड फ्लू ट्रीट करने की इंग्रेडिएंट है। इसकी 10 टैबलेट की कॉस्ट है 58 रुपीज़, तो अजीमेक्स 500 टैबलेट की कीमत है 65 रुपीज़ फॉर 3 टैबलेट्स। अभी ये एजिथ्रोमाइसिन और ये जो निसिप कोल्ड एंड फ्लू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एयर नोज थ्रोट एंड लंग इन्फेक्शन ठीक करने के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होते हैं, इसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। अजीमेक्स 500 ये जो मेडिसिन है, ये प्रेगनेंसी में अत्यंत सेफ है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो निमोनिया हो या साइनोसाइटिस हो या फिर कोई भी ब्रोंकाइटिस हो, तो उसका इलाज करने के लिए अत्यंत लाभदायक ये मेडिसिन है। टाइफाइड फीवर हो तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गोनोरिया जैसे बीमारियां जो भी है उसका इस्तेमाल करने के लिए अजीमेक्स 500 टैबलेट अत्यंत लाभदायक है। इसे अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ कि छोटी टैबलेट है जिससे आसानी से निकलने में मदद होती है। देखिए, ज़रा भी मतलब इसे बिटर ऐसी टेस्ट नहीं है। अजीमेक्स 500 अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो तो उसका इलाज करने के लिए ये दो टैबलेट बहुत साबित होती है। अजीमेक्स 500 एजिथ्रोमाइसिन अगर आप लेते हैं तो सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, क्योंकि ये जेनरिक मेडिसिन भी है, परंतु रेड अक्षर में यहाँ पर लिखा कि प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य है। ये जो अजीमेक्स 500 है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्किन रैश आ सकते हैं या कभी कभी पेट में दर्द हो सकता है या फिर नौसिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, मगर ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं, कभी कभी हो सकता है। इसीलिए इसके साथ उचित ऐसा आप एंटासाइड ले सकते हैं या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले सकते हैं, जिसके कारण अगर कोई एलर्जिक कंडीशन होती है या फिर ज़्यादा एसिड सिक्रेशन होता है तो एसिड सिक्रेशन कम सिक्रेट होगा। तो ये रहा एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। दूसरी बात जो है ये निसिप कोल्ड एंड फ्लू के बारे में। देखिए, 12 साल के कम उम्र के बच्चे को ये कभी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसमें निमोसराड होता है, और प्रेगनेंसी में भी इसे देना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी निमोसराड नहीं चलता। आप सिर्फ पैरास्टामोल ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।